चिंटू पिंटू के गांव में सभी तरफ शांति ही शांति थी। बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे थे। रोबोट भागा चला आ रहा था। क्या हुआ रोबोट, इतने घबराए हुए क्यों हो? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? सर, हमारे गांव पर एक एस्ट्रॉइड गिरने वाला है अभी और इसी वक्त। गांव के सभी जानवर अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। वे एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उनमें से एक भैंस एक बच्चे की तरफ भागने लगी। अरे नहीं, हम लोग अब क्या करें? इस जानवर से हम कैसे बच पाएंगे? रोबोट जल्दी जाओ, उन बच्चों की जान बचाओ। रोबोट एक लंबी छलन लगाकर उसे डरा देता है। बच्चों डरो मत, वो जानवर यहाँ से चला गया है। उर्रे, चिंटू पिंटू ने हमें बचा लिया। चिंटू पिंटू जिंदाबाद। जाओ कमेंट करो। कमेंट कर ही रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चिंटू पिंटू एस्ट्रॉइड। अरे नहीं, ये एस्ट्रॉइड तो बहुत बड़ा है, इसकी तबाही कैसे रोकेंगे हम चिंटू? अचानक उनके पापा उनके पास चले आ जाते हैं। अरे नहीं, पापा तो उस एस्ट्रॉइड के टारगेट में है। रोबोट उन्हें बचाओ। वो एस्ट्रॉइड अपनी पूरी रफ्तार से चिंटू पिंटू के पापा के घर को ठोक देता है। उन्हें बचाने के लिए चिंटू पिंटू का रोबोट वहां पर चला गया था। उनके पापा हवा में ही थे। रोबोट उन्हें पकड़ लेता है। यस, रोबोट ने हमारे पापा को बचा लिया। रोबोट था इसलिए बच गया, नहीं तो आज तो मेरी चटनी बन जाती। ऐसे कैसे चटनी बनने देंगे पापा, हम है ना आपके साथ। जाओ इस गाड़ी से भी एक रोबोट बना दो या आपसे तुम्हारी। अब उन्हें टोकने के लिए वहाँ पर चिंटू और जॉनी भी आ गए थे। लगता है ये चिंटू पिंटू गांव को बर्बाद करके ही रहेंगे, इन्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा। आ गया हमारा दिमाग खाने, ये सब हमने नहीं किया, एक एस्ट्रॉइड गांव पर गिरा है। अब बहाने मत बनाओ, हमें पता है कि यह सब तुमने ही किया है, अपनी गलती कबूल कर लो। तभी आसमान से दो एस्ट्रॉइड आकर चिंटू पिंटू के गांव पर गिर जाते हैं। वो बहुत तबाही मचा देते हैं। अरे अच्छा हुआ मैं उस कार में नहीं था, नहीं तो आज मेरा गोलमोटर पेट चपक ही जाता। बच गया। अरे नहीं, ये तो आसमान से ही गिर रहे हैं। इसलिए ज्यादा मत बोला करो, मुंह बंद रखा करो। तुम्हारा कोई दुश्मन हम पर हमला कर रहा होगा आसमान से, इतने सारे एस्ट्रॉइड कैसे गिर सकते हैं? कुछ भी, आसमान से कोई कैसे हमला करेगा? पर बकू की ये बात सुनते ही चिंटू इस बारे में सोचने लगा। जाओ आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सर ऊपर से हम पर कोई टारगेट कर रहा है या नहीं, कोई है या नहीं? तुम्हारा शक सही था चिंटू पिंटू, ऊपर एक स्टेशन बना हुआ है और वहाँ से वो अटैक कर रहे है। उस बेस पर एक रोबोट और कुछ साइंटिस्ट है, वो जल्दी हमारे गांव पर बहुत बड़ा हमला करने वाले है। तभी साइंटिस्ट वहाँ का नजारा उन्हें दिखाने लगे। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा बेस बनाया गया था, वहाँ पर एक रोबोट था और कुछ एस्ट्रॉइड्स को जमा करके रखा गया था। सर क्या आप लोग हमें उन तक पहुँचा सकोगे? मैं पहुँचा तो सकता हूँ, पर हमारे इसरो बेस पर एक आतंकवादी ग्रुप अटैक करने वाला है। सर आप लोग उनकी चिंता मत करो, हम उन्हें देख लेंगे, आप लॉन्च इन की तैयारी करो। चिंटू पिंटू जरा संभाल के, कहीं तुम ही ना फंस जाओ। उस रात उस आतंकवादी ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे से मिलने के लिए आ गए। क्या इसरो चिंटू पिंटू की मदद से हम पर हमला करने वाला है? तुम एक बात याद रखना, हमें चांद पर जाना है, हमारा सपना टूटा तो तुम्हारा भी टूटेगा। हमें पता है कि आप लोग अपनी कम्युनिटी में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ जी? क्या करूँ जी, नहीं हम सबको बता देती फिर तुम कौन होती, आपको पता लगती तो कमेंट कर देती। चिंटू बिन तो बहुत ही शातिर थे, वो अपने ड्रोन से उन सब पर नजर रखे हुए थे। अरे नहीं, वो देखो चिंटू पिंटू का ड्रोन, हम पर ड्रोन से नजर रख रहे हो लोग। उन लोगों के नजर में आते ही उनका ड्रोन वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे नहीं, मैं तो फंस गया, उन्हें लोगों को अब मेरे बारे में पता लग गया, अब मैं तुम्हें भी फंसाऊंगा। हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ का पत्ता नहीं हिलता तो तुम कैसे जाओगे? वो तो दिख रहा है, बताओ मत, ड्रोन आके चला गया। वो लोग उस साइंटिस्ट को अपने रास्ते से हटा देते हैं। हमारा खतरनाक रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट को खत्म कर देगा। अगले दिन वो अपनी गाड़ी से चिंटू पिंटू के गांव की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ने लगे। अरे नहीं, इतना बड़ा रॉकेट हमारे रास्ते में क्या कर रहा होगा? उन लोगों के रास्ते में एक बहुत बड़ा रॉकेट गिरा होता है। चिंटू पिंटू बाहर आओ, हमें पता है ये तुम लोगों का काम है। चिंटू पिंटू निडर होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। रोबोट जाओ उन लोगों को मिट्टी में मिला दो। पर चिंटू पिंटू का अल्फा जैसे भी रोबोट उन पर ही हमला कर देता है। तो पूरी प्लानिंग करके आए हो हमें मारने के लिए यहाँ पर?
हाँ, हमने तुम्हें यहाँ पर प्लान करके ही बुलाया। हमारे देश के देशद्रोही को हम नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मालामाल कर देंगे। हमें लालच देने की तुम कोशिश ही मत करो, अपने बारे में सोचो। उनका रोबोट खड़ा होने लगा। जाओ रोबोट, उसके अंचर पंचर ढीले कर दो। दुश्मन रोबोट भी अपने अल्फा रोबोट पर बहुत तेजी से वार करने लगा, पर अल्फा रोबोट कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी उस पर घातक वार कर रहा था। तुम लोग हमसे अब नहीं बच पाती। क्यों, बहुत कॉन्फिडेंस है अपने रोबोट पर? जाओ रोबोट, उसे अब ठहर कर दो। अल्फा रोबोट अब पूरे गुस्से के मोड में था। वो अपनी एक ही किक से उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। अब तुम्हारे जीवन में एक मजा आएगी, चक्की को रोज पीसते रहना जेल में। और यहाँ दूसरी तरफ इसरो में लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में चिंटू पिंटू आसमान में जाने वाले थे। सर, आपका एक साइंटिस्ट उन लोगों से मिला हुआ था, उन लोगों ने उसे मार दिया है। चिंटू पिंटू, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। सर, क्या हम लोग लॉन्चिंग के लिए तैयार है? क्या हम लोग अब आसमान में जा सकते हैं? चिंटू पिंटू, सारी तैयारी हो चुकी है, अब तुम लोग आसमान में जा सकते हो। चलो हम चलते हैं। थैंक यू सर, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हो। चिंटू पिंटू उस स्पेसशिप की मदद से बहुत तेजी से आसमान में जाने लगे। अब वे लोग थोड़ी ही देर में उस खतरनाक बेस पर लैंडिंग करने वाले थे। दुश्मन भी उन लोगों को देखकर घबरा गए थे। वो लोग पे अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर अटैक करने वाले थे। ये दुश्मन बेसिप है, मैं इसे बर्बाद करके रख दूंगा। पर रोबोट के वार करने से पहले वो लोग उस पर बॉम्ब फेंक देते हैं, इस कारण वो रोबोट बहुत जख्मी हो जाता है। और इसके आड़ में चिंटू पिंटू स्पेस के अंदर चले जाते हैं। रोबोट वहां का एक एस्ट्रॉइड फेंक कर उस पर वार कर देता है, वो फिर से जख्मी हो जाता है। रोबोट, तुम्हें तुम्हारे इंजन ऑयल की कसम, उसे धो डालो। और तुम लोग जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ रोबोट अपने पूरे जायंट मोड में उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। और रोबोट भी अल्फा कैटेगरी से ही था, वो भी कमजोर नहीं था। पर रोबोट के कुछ घातक वारों से वो कमजोर पड़ रहा था। तुमने एस्ट्रॉइड फेंक कर मार के मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी। वे रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार कर देता है, पर रोबोट की एक एक किक से अब वो डीएक्टिवेट हो गया। हार गई ना रोबोट, तुम मेरे कराटे मुंह से नहीं बच सकते। वो तो हार गया, पर यहाँ से जाएंगे कैसे? एक दिन की बात थी, चिंटू पिंटू अपने लैब में थे। उनका रोबोट बहुत परेशान था। क्या हुआ रोबोट, इतने परेशान क्यों हो? सर, हमारे गांव की तरफ दो एलियन स्पेसशिप आ रही है। अरे नहीं, अब यह कौन सी नई मुसीबत आ गई? चलो चिंटू, कौन से एलियन आए हो देख के आते हैं। चिंटू पिंटू अपने गाँव में आ जाते हैं। वो सभी गाँव वालों को अपने अपने घर में भेज देते हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते कौन सा एलियन आता है। थोड़ी दूर रुक जाओ, फिर अपनी बहादुरी उन एलियन के सामने दिखाना। वो एलियन अपनी विशाल स्पेसशिप में गांव में आ जाते हैं। उस इतने बड़ी स्पेसशिप को देखकर वो चाचा जी हैरान हो जाते हैं। इस गांव में तो बहुत मजा आएगा। एलियन, जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे। जल्दी बाहर निकलो। वो एलियन बाहर आ जाते हैं। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? हम टाइटन प्लेनेट से आए और हमारे पीछे कुछ हमारे दुश्मन पड़े, वो हमें मारना चाहते हैं। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे प्लेनेट में कई मिनरल्स थे, उन्होंने हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया, वो अब हमें मारना चाहते हैं। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे, हम पर भरोसा करो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। छोटा रोबोट बड़े रोबोट में बदल जाता है। यह भी आपकी मदद करेगा उन्हें हराने में। ठीक है, पर वो लोग पास है। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। दूसरे दो एलियन पृथ्वी पर आ जाते हैं। चिंटू पिंटू भी उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। वो एलियन एक बहुत अच्छी स्पेसशिप में आए थे। तुम लोग अब मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा सकते, ये लोग भी मेरे साथ है। अच्छा, तो यहाँ पर भी तुम अपनी चाल चल रहे हो। तुम लोग इसे क्यों मारना चाहते हो? वो सब छोड़ो रोबोट, जाओ उन पर हमला करो। अरे नहीं, वो तो उन्हें बात ही नहीं करने दे रहा। रोबोट जाओ, अब तुम्हें उन रोबोट्स को हराना ही होगा। एक दूसरे को मारने के लिए वो रोबोट आगे बढ़े। सभी रोबोट एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे। उन एलियन के रोबोट भी ताकतवर थे। चिंटू पिंटू
पर रोबोट भी कम नहीं था, वो भी अपने गांव को बचाने के लिए उन्हें मार रहा था। पर आखिर में चिंटू पिंटू और वो हरा एलियन जीत जाता है। वो एलियन अपनी पेसिप लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनका एक रोबोट भी उनके पीछे चला जाता है। अरे नहीं, वो बच कर निकल गए, हमें उन्हें ढूंढ कर मारना होगा। चलो रोबोट, वो जंगल की तरफ गए हैं। ठीक है सर, चलो। वे सभी के सभी जंगल में आ जाते हैं। वो सभी उन लोगों को ढूंढ रहे थे पर वहां पर कोई भी नहीं था। अब रोबोट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अचानक वो हरा एलियन चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। अरे नहीं, ये तो हम पर भी हमला कर रहा है। रोबोट खड़ा हो जाता है और वो काफी गुस्से में था। वो लोग तुम्हें मारने नहीं बचाने आए थे, अब तुम लोग नहीं बचोगे मुझसे। वो एलियन रोबोट चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। रोबोट, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चिंटू पिंटू का रोबोट खड़ा हो जाता है। वो उस रोबोट पर हमला करने लगा। एलियन रोबोट ताकतवर था, तब भी चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला करता है। तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रोबोट खड़े हो जाओ और उस रोबोट को बर्बाद कर दो। वो एलियन रोबोट अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा था। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला कर देता है। चिंटू पिंटू का रोबोट ढेर हो जाता है। अब तुम लोग क्या करोगे, कैसे बचोगे मुझसे। पर बकू अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। वो चिंटू पिंटू को बचाना चाहता था, पर यहाँ पर चिंटू पिंटू को कोई तो मदद कर रहा था। चिंटू पिंटू और बकू वहां से निकल जाते हैं। अरे नहीं, ये तो मुझसे बचकर निकल गए, अब ये मुझे नहीं हरा पाएंगे। वो एलियन रोबोट भी खड़ा हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर हमें कोई नहीं हरा सकता, चलो इस ग्रह पर राज करें। थोड़ी देर बाद चिंटू पिंटू उस जगह फिर से चले जाते हैं। चिंटू पिंटू, अब हम क्या करेंगे, हमारा रोबोट तो उन्हें हरा नहीं पा रहा। हम इस रोबोट को लैब में ठीक तो कर देंगे, पर यह अकेला उसे नहीं हरा पाएगा। यहाँ से निकलते समय हमारे किसी ने तो मदद की थी, कौन था वो भला इंसान? वो हम थे, हमने तुम्हारी मदद की। वो एलियन लोगों को फंसा कर ऐसे ही ग्रह पर कब्जा कर रहा है। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम पर हमला किया था। तुम लोगों के जैसे हम भी इस राक्षस के बातों में आ गए थे और हमने हमारा ही ग्रह तबाह कर दिया। अरे नहीं, बहुत बुरा हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे दूसरे का ग्रह बर्बाद हो। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, पर हमें हमारा रोबोट पहले ठीक करना है। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, चलो मेरी गाड़ी में फटाक से जाएंगे। वो सभी के सभी चिंटू पिंटू के लैब में आ जाते हैं। सर, वो एलियन अपना बेस बना रहा है। हमने हमारा रोबोट ठीक कर दिया, अब ये बहुत ताकतवर है, पहले से तो बहुत। उसे हराने के लिए अब हम तैयार है। वो सब मिलकर उस एलियन और उसके रोबोट को हराने के लिए प्लान बनाने लगे। वो एलियन अपना बेस बना चुका था। वे सब बहुत तेजी से अपने पैसिव में गांव की तरफ आ रहे थे। अरे वाह, पुराने दोस्त आए हैं। पर वो दोनों एलियन और उनका रोबोट ही आए थे। वो एलियन रोबोट तैयार था उन पर हमला करने के लिए। जाओ रोबोट, उसे घायल करो। आओ रोबोट, कितनी ताकत है वो दिखाओ। उन दोनों एलियन में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों ताकतवर थे, वो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। पर वो एलियन रोबोट कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, वो उसे गिरा देता है। अलविदा सर। अरे नहीं, ये रोबोट ऐसा क्यों बोल रहा है। वो रोबोट उस पर हमला करता है, इस हमले में वो मर जाता है। और यहाँ चिंटू पिंटू भी आ गए थे। जाओ रोबोट, अब वो कमजोर है। चिंटू पिंटू का रोबोट उस पर हमला कर देता है। वो फिर से उस पर हमला कर देता है, इसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आखिरकार ये एलियन रोबोट हार ही गया। खरे ढबू, अब तुम क्या करोगे। इन्हें लगता है मैं हार गया, आपको क्या लगता है। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।